और जनता को विश्वास है हमारे ऊपर। अभी दो बाई इलेक्शन हुए थे, दो बाई इलेक्शन में हम देखा होगा किस प्रकार से इतनी भारी जीत होना मंडावा के अंदर 30-35 हज़ार थे, और नागौर के अंदर फ्यूचर में हम लोग हारे नहीं हैं। 57 हज़ार की लीड थी उनकी, वो 4 हज़ार पे आ गई। तब समझ सकते हैं कि जनता ने पूरा साथ दिया। देखिए, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उसमें उस वक्त में जो 73-74 अमेंडमेंट हुए उसके कारण से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। वो वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर बन सकी। उसके बाद लगातार बदलाव आ रहा है महिलाओं के अंदर, इसलिए महिलाओं को हर तरह से एम्पावरमेंट करना सरकार की जिम्मेवारी है। उसी रूप में हम लोग हरी स्कीम लाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एकल नारी संस्था ने जो काम किया है, करीब 70 हज़ार महिलाओं को जो इन्होंने एनरोल किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी है। एकल नारी संस्थान को मैं बधाई देना चाहूँगा। इस प्रकार के संगठन आगे आएंगे तब जाके महिलाओं में और जागरूकता आएगी। आज भी गाँव के अंदर बाल विवाह हो जाते हैं, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न होता है महिलाओं के साथ में। सरकार ने हर जिले में एक एक DYSP की पोस्ट क्रिएट करी है इसी काम के लिए, कि वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न हो, बलात्कार हो, ऐसी घटनाएं गंभीर हो, तमाम घटनाओं को खुद देखे। इस प्रकार से हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी थी, वो आपके सामने है। सेल्फ डिफेंस की बात है, वो छात्राओं में तो हम लोग जा ही रहे हैं। अब हम जल्दी करने वाले, कोई भी गर्ल या महिला चाहेगी तो हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिले। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर इतनी बड़ी महिलाएं इकट्ठी हुई और अपने मिशन को लेकर इकट्ठी हुई है। ये बात राजनीति में आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने एक मिसाल कायम की थी, अटल जी को भी। इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप क्यों कहा, वाजपेयी जी ने क्यों कहा था? इंदिरा गांधी महान शख्सियत थी, पूरे विश्व में उनका नाम था। आतंकवाद का मुकाबला किया पंजाब में, वो शहीद हो गए देश के लिए, उनका सीना छलनी कर दिया गया। बांग्लादेश आज़ाद हो गया, 93,000 उनके कर्नल जनरल मेजर सैनिक को सरेंडर करवा दिया, ये उनका रूप था। हरित क्रांति लेके आए वो, पहले भीख मांगते थे अमेरिका से, हम लोग गाँव की नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। 20 मिनट प्रोग्राम दिए उन्होंने, और मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, उनके प्रधानमंत्री रहे हुए वाजपेयी जी कहते हैं वो दुर्गा का रूप थी। क्या प्रधानमंत्री जी के मुंह से पूरे 6 साल में, 5.5 साल में एक बार भी इंदिरा गांधी का नाम निकला क्या? तो आप समझ सकते हो कि जो इंदिरा गांधी के नाम लेने में उनको संकोच होता हो, एक महिला थी, महिलाओं का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ाया उन्होंने, उसका नाम लेते ही संकुल होता है। इसका मतलब सच्चाई कहाँ है? सच्चाई उनके साथ नहीं है। ठीक है, चुनाव जीतना अलग बात है, हवा बनाने राष्ट्रवाद की, जैसे हम तो राष्ट्रवादी है ही नहीं, वही राष्ट्रवादी है। सर्टिफिकेट उनका लेना पड़ेगा राष्ट्रवादी बनने के लिए। ये तमाम बातें मैं कई बार मैं कह चुका हूँ, फिर कहना चाहूँगा कि इनका लंबे समय तक ना तो ये राष्ट्रवाद की बात चलने वाली है, जनता सब समझती है कि वोट को लेकर के ये इस प्रकार से नारे लगाते हैं। धर्म के नाम पर पहले थे, अब राष्ट्रवाद के नाम पर आ गए। तो मैं समझता हूँ कि इन चुनाव में पुल खुल गए उनकी। अभी दो चुनाव हुए थे राज्यों में, हरियाणा में और महाराष्ट्र के अंदर, तो जनता बहुत समझती है। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में समझदारी के पैसे और देगी जनता। निकाय चुनाव लगता है कि यहाँ भी सौंप मिलेगा राजस्थान में? निकाय चुनाव में हम लोग जीतेंगे, निकाय चुनाव में हम लोग जीतेंगे अधिकांश जगह पर, और जनता को विश्वास है हमारे ऊपर। अभी दो बाई इलेक्शन हुए थे, दो बाई इलेक्शन में हम देखा होगा किस प्रकार से इतनी भारी जीत होना मंडावा के अंदर 30-35 हज़ार थे, और नागौर के अंदर फ्यूचर में हम लोग हारे नहीं हैं। 57 हज़ार की लीड थी उनकी, वो 4 हज़ार पे आ गई। तब समझ सकते हैं कि जनता ने पूरा साथ दिया।
महाराष्ट्र में अभी गति पकड़ेगा विकास की, रिफाइनरी काम जल्दी पूरा होगा। रिफाइनरी तो बड़ा प्रोजेक्ट है, 42,000 करोड़ का, 42,000 का प्रोजेक्ट आजादी के बाद पहला आया है, जिसको बड़ी मुश्किल से लड़के हम लिया था। पिछली सरकार ने 5 साल बर्बाद कर दिए, अब काम शुरू हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ काम पूरा होगा तो उसका लाभ पूरी।